अगर भारत की जीडीपी इसी तेजी से बढ़ती रही और जापान मंदी से नहीं उबर पाया तो भारत इसी साल दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। बताते हैं आपको, क्योंकि लगातार दो तिमाही से जापान की जीडीपी में गिरावट देखी जा रही है। साथ ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापान की करेंसी येन भी लगातार कमजोर हो रही है। मंदी की वजह से गुरुवार को जापान की जीडीपी गिर करके 4.3 ट्रिलियन डॉलर पर आ गई। अब जापान और भारत की इकोनॉमी का अंतर बेहद कम रह गया है। भारत की जीडीपी इस वक्त करीब 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि जापान और भारत की जीडीपी में सिर्फ 0.2 ट्रिलियन डॉलर का फर्क रह गया है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द ही भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, क्योंकि चीन से मोह भंग होने के बाद दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। वहीं जापान बुजुर्गों की बढ़ती आबादी, प्रोफेशनल्स और कामगारों की कमी से जूझ रहा है। फिलहाल वर्ल्ड इकोनॉमी की रैंकिंग में 28 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ अमेरिका पहले, और इसके अलावा आपको बता दें कि 18.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। वहीं जर्मनी की 4.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ ये तीसरे नंबर पर है, जबकि 4.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जापान चौथी और 4.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर के भारत ने बड़ा बयान दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ देशों के एकाधिकार को लेकर के भारत ने अपना कड़ा रुख जाहिर किया। यूएन में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आखिर कब तक 5 देशों की इच्छा 188 देशों की इच्छाओं पर भारी पड़ेगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शादी के लिए लगाया जा रहा एक पंडाल गिर गया, जिसके नीचे 25 से 30 लोग दब गए थे। सभी लोगों को समय रहते बचा लिया गया। यूपी में आज और कल 2 दिन पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है। इस दौरान सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आज बायोमेट्रिक और थर्मल स्कैनर से परीक्षार्थियों की जांच हुई। इनकम टैक्स की तरफ से कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मामले पर आज दिल्ली से लेकर के गुजरात तक प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। Z News.